ये एक ही मिनट नमस्कार दोस्तों, बाबू। सुबह के बज चुके हैं। क्या टाइम हो गया? 10:30। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, कृष्णा भी उठ गया है। कृष्णा जा रहा है पापा के पास और हम भी उधर ही जा रहे हैं। एक तो गुड्डू की आज तबीयत खराब हो रखी है, शायद उसको स्कूल में से बीच में से लाना पड़े, क्योंकि कह रही थी अगर चाचू मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मुझे लेने आना बीच में। कोई बात नहीं, बता देना, ले आएंगे। फिर पेपर है इस वजह से जाना पड़ा, नहीं तो उसकी छुट्टी करा देते। तो जा रहे हैं हम उधर ही और देखते हैं आगे चल के। तो चलिए बस चलते हैं। तो जी देखिए, हम गए थे उधर, तो पहले कृष्णा के बाल कटवाने के लिए रुक गए हम, क्योंकि कृष्णा के बाल जो हैं बहुत ही बड़े बड़े हो रहे थे। और जब से इसका बुखार चढ़ा, शक्ल तो इसकी छोटी सी होगी और बाल इतने बड़े बड़े, तो सिर नज़र आता था, मुँह छोटा सा। तो मैं कहा चलिए इसकी पहले कटिंग करवा देते हैं, उसके बाद चलते हैं, फिर मैं कहा बाद में नहा धो लेगा। तो देखिए बस यहाँ पे कृष्णा के जो है कटिंग चल रही है और बहुत ही आराम से अब तो बैठ के करवा लेता है। पहले तो बहुत रोता था, पर अब जैसे पता लग गया कि क्या होगा क्या नहीं। तो जी देखिए बस यहाँ पे कृष्णा की कटिंग करवा के फिर हम गए थे उधर गुड्डू को देखने के लिए। आ गया कृष्णु कटिंग करवा के। इधर इधर तो रोशनी आ रही, तू तो देख ले अपने आप को, देखे मम्मा क्या कह रही हो, अंग्रेज की जरा सा हो गया, ठीक होगी कटिंग तो, है ना, सुंदर होगी। अब नई नई करनी है बच्चे कुछ, यहाँ पे तपरे नहीं है तेरे, कोई बात नहीं उधर जाके नहाएंगे, अब चलेंगे उधर, आने लग रहे ना डैडी। और देख तेरा मम्मा आ रहा, हाँ वहीं से लग गया टाइम उसके, बाहर आए तो नहाई लेगा इसे अपने मम्मा को स्टोरी सुना दे, मेरे बाल नाई पे, नाई की कंची मेरे पे, मेरी कंची आवे, इस पर मैं स्टोरी सुना कर रहा हूँ, आवे सुना दे। अब नहीं सुना, अभी तो उसका मूड खराब है। आया भी नहीं तू उधर? ओहो, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मैं नहीं आ जाती, तीनों जाग तो कुले का होंगे थे। 1 किलोमीटर ही है वो, ज्यादा ही होगा, कम नहीं है। तो जी फिर तो कम से कम पैदल आ ही सके, एक्सरसाइज कर लो, वहां तो जाओ पैदल का चक्कर मार ले, वही मिले तो यार। अरे यो नहीं पड़ता इसकी टक वजह से, नहीं मारती हूँ, यो उठ जाए एकदम साथ के साथ। किसने बनाई? मन्ना ने बनाई थी क्या? मीठी है तो माँ का कड़वा तो तम अपने दौरे रखो ही, जुगाड़ करके मैं मीठा ही ले आऊं। चूरमा बना कर दी मारी मम्मी ने, जब 15 को जिमा करने थे, आज 15 को ही तो जिमा रही मैं अभी अभी तो 15 को इसे मारी। मावा तो गहरा ही नहीं मन नहीं समझ है ना, मावा नहीं है या नारियल की बर्फी पर टेस्ट आ रहा ना शेखर मिल्क केक वाला ही। नहीं गहरा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ नहीं गहरा, दूध है, थोड़ा सा दूध है, नहीं थोड़ा सा दूध गहरा, थोड़ी सी थोड़ा सा मिल्क पाउडर गहरा था। बढ़िया कैसा लगे बंदरों को चूरमे का लड्डू? बढ़िया क्या बंदरों को जिमा कर दी मारी हम भी तो जिमा नहीं आए वहां, तो यहाँ से मैं जिमा नहीं आई। तो जी देखिए आगे थे हम उधर से, फिर भाई आ गया था छोड़ने के लिए, आके फिर कृष्णा भी नहाया धोया अपना और कपड़े वगैरह चेंज करे इसने। तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, कपड़े कपड़े पड़े हैं बीच में, काम कहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई से कुछ कह रही हूँ, शायद उसको कुछ दे रही हूँ खाने के लिए या क्या कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता है, पर कुछ तो मैं कर रही हूँ। तो देखिए बस उसके बाद अभी मतलब काफ़ी सारे काम थे, चली तो गई थी मैं सुबह के टाइम ही उधर से, लेकिन फिर आगे थे क्योंकि और भी काम जो है वो करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो पहले तो देखिए पीछे कुर्सी पे कपड़े भी रखे हुए हैं, मैं कहा चलिए पहले कपड़े रख लेती हूँ। और उसके बाद कृष्णा जो है वो वापस से फिर इसी के ही साथ चला गया नहा धो के, क्योंकि स्कूटी ली है नई नई, तो कृष्णा को शौक लगा हुआ है स्कूटी पे घूमने का। तो ये जो भी आता है, जो भी क्या, वैसे तो पीयू के डैडी सुबह ही लेके चले जाते हैं, लेकिन जो भी आता है तो ये उसी के ही साथ फिर जाने की जिद करता है। तो देखिए बस यहाँ पे ये जाने लग रहा है, और इनके जाने के बाद मैं अपने काम जो है वो करूँगी वापस से शुरू। पीयू रूही स्कूल गए हुए थे लेकिन मैं थी यहाँ पे, तो चलिए पहले मैं फैला लेती हूँ कपड़े।
जी कपड़े फैलाने के बाद मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए यहाँ पे, क्योंकि सुबह से मैंने पीनी थी और खाना भी नहीं खाया था। सही में बताऊँ मेरे पे नाश्ता भी नहीं हुआ था ढंग से, तो मैं चाय नहीं पी थी। तो मैं कहा चलिए चाय बना लेती हूँ, थोड़ी सी मैंने उसमें मलाई डाल ली है, अच्छी लगती है मलाई डाल के। तो चाय वगैरह भी मैं पी रही हूँ और साथ में जो कपड़े रखे हुए हैं उनकी तय भी कर ले रही हूँ मैं, तो दोनों काम जो है फटाफट हो जाएंगे। तो जी चलिए पहले फटाफट से कपड़े कर लेती हूँ मैं तय, फिर इनको रखूँगी अलमारी में लगा के मैं। तो जी कपड़े वगैरह तय करके यहाँ पे मैं इस बेड की जो है बेडशीट चेंज कर लूँगी, क्योंकि मैं इसको तो जल्दी बदलती रहती हूँ, हम इस पर ही पढ़ते बैठते हैं जल्दी जल्दी तो ये गंदी हो जाती है। और लाइट कलर की बेडशीट तो चलती ही नहीं ज़्यादा दिन, एक आधे दिन से ज़्यादा, तो डार्क कलर की जो है वो फिर भी दो तीन दिन चल जाती है। तो जी यहाँ की बेडशीट वगैरह चेंज करके अब मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। पहले मैं बना रही हूँ जमे यानी कि सेवैया, जो दूध वाले जमे होते हैं वो दूध रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। इधर मैंने जमे जो है वो भून लूँगी मैं उनको लाल होने तक, बिना घी के ही भूनती हूँ मैं इनको। और बहुत दिनों के बाद आज जो है मैं जमे बना रही थी, दूध रखा हुआ था कल का बचा हुआ, तो मैं कहा चलिए बना लेती हूँ। तो बस जमे भून गए हैं और इनको मैं डाल दूँगी दूध में और उसके बाद जो है मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो खाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने लिया लहसुन, 4 से 5 टमाटर लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्च ली है और 4 से 5 ही प्याज लिया है, और उधर रखे हैं टिंडे, आधा किलो के लगभग जो है टिंडे हैं। तो आज मैं जिस तरीके से आपको रेसिपी बताऊँगी ना टिंडे की, तो आप लोग पनीर खाना भूल जाओगे कि पनीर कैसा हो, और जो लोग टिंडे नहीं खाते वो भी आपसे मांग मांग के खाएंगे, देख लेना आप, गारंटी है मेरी इस चीज़ की। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें ली थी सारियों को मैंने कट कर लिया है, लंबा लंबा चॉप कर लिया है। तो यहाँ फ्राई पैन में मैं पहले ले लूँगी, थोड़ा सा मैंने तेल डाल के जीरा लिया है, उसमें मैंने डाल दी है लहसुन और हरी मिर्च, हल्का सा भुनेंगे, उसके बाद जो प्याज है वो डाल देंगे, उनको भी हल्का सा भुनेंगे। तो जी प्याज को थोड़ा सा मैं ढक के रख दूँगी, जिससे कि ये थोड़ी सी हल्का सा बस इनको सॉफ्ट करना है, कलर नहीं चेंज करना। और जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो टमाटर हैं वो, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो, तो जिससे कि इसमें बाद में जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो इसमें कलर अच्छा आएगा। और यहाँ पे 5 से 7 मैं इसमें डाल दूंगी काजू। तो ये जो मैं पेस्ट बना रही हूँ यानी कि प्यूरी बना रही हूँ, इसका इस्तेमाल आप पनीर की सब्जी बनाने में या कोई भी सूखी सब्जी बना रहे हैं उसमें कर सकते हैं। तो देखिए जब तक वो पकेंगे हमारे टमाटर और प्याज, तब तक इधर हमारे जमे भी जो है वो हो गए हैं। इसमें मैंने डाल दिया है मीठा और ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए, तो वो पकते रहेंगे आराम से। तो जी देखिए हमारे टमाटर प्याज भी जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, अब इनको उतार के मैं रख दूंगी एक साइड ठंडा होने के लिए। तो जब तक कि ये ठंडे होंगे मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं मैं ये जो टिंडे हैं आधा किलो के लगभग है इनको छील काट लूँगी और इनको मुझे करना है फ्राई। तो इनको मैंने ले लिया, देखिए सरसों का तेल ले लिया मैंने थोड़ा सा, और उसके गर्म होने के बाद मैं ये जो टिंडे हैं इसमें इसको डाल दूँगी। इसको हमें सिर्फ 50% पकाना है, ज़्यादा नहीं डालना पकाना, सिर्फ थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिया है मैंने इनमें और इसको रख देंगे। तो देखिए जी जब मैं खाना बना रही थी बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो ये देखिए इधर हमारा जो टमाटर प्याज का पेस्ट वो है, सॉरी टमाटर प्याज है, वो ठंडे हो गए हैं, इनको मैं इसमें डाल के पीस लूँगी और बिल्कुल बारीक सा इसका हम पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल जो प्योरी नहीं होती बिल्कुल। और ये वाली जो प्योरी है ये आप किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई पनीर बना रहे हैं, आलू बना रहे हैं या कोई और सब्जी बना रहे हैं। तो देखिए इधर हमारे टिंडे भी फ्राई हो चुके हैं, उनको मैंने निकाल लिया है और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डाल के सेम कढ़ाई में मैंने पहले डाल दिया इसमें जीरा, 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी है, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, हल्दी है, लाल मिर्च है, कश्मीरी पाउडर है लाल मिर्च का, और धनिया पाउडर है। उनको हल्का सा भून के इसमें हम डाल देंगे जो हमने प्याज लहसुन प्याज लहसुन टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो, और इसमें ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। ध्यान रखिए कि जब हमने प्याज टमाटर को भूना था पहले तब भी हमने नमक डाला था, तो थोड़ा सा ध्यान से हल्का सा पका के इस प्योरी को हमने डाल दी है इसमें मलाई। मलाई जरूर डालिएगा आप, टेस्ट जो है बहुत ही बेहतरीन सा हो जाएगा। और उसके बाद इसको पका के थोड़ा सा मैंने इसमें जितनी आपको पतली सब्जी करनी है उसी हिसाब से आप पानी डाल लीजिए और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम।
हाँ सब्जी को, सॉरी तरी को, तो देखिए पक गई है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो टिंडे हैं वो। तो इसको अब आप कम करके रख दीजिए, इसको आराम से पकने दीजिए, आराम से मतलब मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे, और जिससे कि जो टिंडे हैं वो भी अच्छे से गल जाए और हमारी जो प्योरी है वो भी पक जाए अच्छी तरह। तब तक जो है मैंने आटा वगैरह बना लिया है, हरा धनिया काट लिया है, बाकी की जो तैयारियाँ हैं वो कर ली है। तो देखिए हमारी सब्जी जो है बहुत गाढ़ी हो गया है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है मीठा, मतलब एक चम्मच के लगभग मैंने इसमें चीनी डाल ली है, वो इसलिए ताकि, क्योंकि आजकल के जो टमाटर आ रहे हैं ना वो बहुत थोड़ा सा खट्टापन लिए होते हैं, तो जो खट्टापन है वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं डालनी है टमाटर, आपके मीठे हैं तो मत डालिए, अगर लग रहा है आपको टेस्ट करके देख लीजिए कि थोड़ा सा खट्टापन है तो जो है आप वो कर लीजिए। हरा धनिया डाल के सब्जी हमारी होगी है रेडी, और लीजिए प्लेट में मैंने लगा दिया है खाना दोनों थालियों में। आइए आप लोग भी खाना खाइए और मुझे बताइए कि आज जो टिंडे की सब्जी है वो कैसी लगी। और यकीन मानिए आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे, और बच्चे भी खाएंगे, आप भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। और पनीर तो आप मतलब ये है कि पनीर को तो भूल ही जाइए आप, और वैसे ज्यादातर जो है टिंडे की सब्जी कोई नहीं खाता, सब मुंह बनाते हैं, लेकिन अगर आपसे मांग मांग के ना खाई तो आप बदल दीजिएगा नाम। तो जी देखिए बस यहाँ पे खाना वगैरह खा के अब पीयू के डैडी जो है वो करने लगे हैं बुटीक पे जाने की तैयारी, और कृष्णा हो रहा है परेशान उनके साथ जाने के लिए। तो वो चले गए थे बुटीक पे, उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ी देर लेटाया, मैं भी लेटी, तो शाम का टाइम हो गया है। यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ बच्चों की जो शर्टें हैं उनकी बाजू मुझे करनी है आधी। वैसे तो जी देखिए आधी बाजू की भी ले सकते थे, लेकिन ये जो है ये अभी छोटी होने लग रही है इनकी, और सर्दियों में जो है फिर दूसरी ड्रेस आएगी, और गर्मी की वजह से बच्चे कहने लगे दोनों की मम्मा बहुत गर्मी लगती है बाजू में पूरी में। तो मैं कहा चलिए मैं आज इनका ही शुभारंभ कर देती हूँ, और इनको मैंने काट दिया है आधा आधा इंच, मतलब सॉरी आधी बाजू मैंने इनकी बना दी है दोनों बहनों की। तो पहले इनको काट लेंगे, 6 इंच लंबी मैंने बाजू रखी है, और उसमें फोल्ड करने के लिए आधा इंच या आधे से थोड़ा सा ज्यादा इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद जितनी हमें बाजू में सिलाई लगानी है उतने पे हम प्रेस से उसकी क्रीज बिठा लेंगे, तो सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी पल्ले फोल्ड कर इसकी सॉरी अंदर सिलाई फोल्ड करने में। तो जी देखिए यहाँ पे मैं दोनों बाजुओं को ऐसे ही प्रेस की मदद से सेट कर लूंगी, उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी इन पे मशीन से सिलाई लगा दूंगी अंदर से फोल्ड करते हुए। तो देखिए बस मैं लगाने लगी हूँ सिलाई। देखिए दोनों की शर्टों पे मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद ये पीहू का एक प्लाजो है ये थोड़ा सा नीचा है, तो मैं कहा चलिए जब मशीन रखे बैठी हूँ मैं तो पहले इन्हीं को ही बराबर कर देती हूँ। तो मैं कहा चलिए, और होता भी है जब मशीन रख के बैठते हैं तो मैं कहा सारे ही काम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 इंच इसकी जो है लेंथ काट दी है, और सेम इसको मैंने निशान लगा के जितना मुझे फोल्ड करना है दोनों जो इसके पोंचे हैं वो मैं फोल्ड कर लूँगी मशीन से फटाफट से। तो जी देखिए दोनों प्लाजो की टांगे मैंने सिल दी हैं और ये हो गया है बिल्कुल ओके। उसके बाद जो फैलारा फैला हुआ है उसको मैं समेट लूँगी, शाम की झाड़ू लगानी बाकी थी अभी, तो मैं कहा चलिए कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोफों के कवर वगैरह झाड़ दूंगी और बाद में लगाऊंगी झाड़ू, और बच्चों को अभी पढ़ाना भी है, सारा दिन अलग रह जाता है, बच्चों को पढ़ाई करवाने का काम एक अलग है, जितना ज़रूरी और घर का काम है और उतना ही ज़रूरी अब जो है अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। ट्यूशन अभी नहीं लगा रहे हैं हम, क्योंकि मैं कहा चले छुट्टियों के बाद लगाएंगे, अभी छुट्टियां पड़ ही जाएंगी, अभी 1 महीने के लिए स्कूल खुले हैं उसके बाद ट्यूशन लगाएंगे इनका। तो जी देखिए यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के मैं दोनों के बालों में लगा दूंगी तेल, क्योंकि सुबह के टाइम तो लग नहीं पाता, फिर मैं इनको शाम को लगा देती हूँ तो जो है अच्छी तरीके से मतलब उसका थोड़ा बहुत इनका जो नरिशमेंट है वो मिल जाता है, तो मालिश भी मैं ज़रूर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पहले मैं पीहू रूई के बालों में लगाऊंगी तेल, उसके बाद पीहू के बालों में तेल लगा के बाल बना दूंगी इनके।
तो जी प्योर रुई के बाल बनाने के बाद यहाँ पे मैं कृष्णा को लगा रही हूँ तेल, मालिश कर रही हूँ, और उसके बाद बस जो है मैं अब दोनों बेटियों को पढ़ाऊंगी। प्यू का कुछ प्रोजेक्ट है, और अब जैसा प्यू फिफ्थ क्लास में आ गई तो उसे हर रोज कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिला ही रहता है, तो उसकी वो करेगी अपना प्रोजेक्ट तैयार और मैं तब तक जो है रुई को पढ़ा दूंगी। तो जी बस ये थे आज की मेरी दिनचर्या, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो जी आप टिंडे की सब्जी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और उसके बारे में भी मुझे बताइए कि कैसी लगी। कोई और रिक्वेस्ट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तो जी मिलते हैं फिर आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।